छील दो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की ब्लॉग स्टोरीज। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी बैंगन की रेसिपी, लेकिन बहुत कमाल का टेस्ट होता है इसका, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर किसी को बैंगन पसंद भी नहीं है ना, तो भी प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करना, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो है गर्मा गर्म राइस, उसके साथ रसम और ये सब्जी। पापड़ हो तो और चार चांद लग जाए, लेकिन नहीं हो तो भी हम काम चला लेते हैं, इतना टेस्टी लगता है। चाहे आप टोमेटो रसम बनाओ, चाहे आप इमली का रसम बनाओ, कुछ भी बनाओ, टेस्ट बहुत आता है। बस दाल के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन रसम के साथ ज़्यादा टेस्ट आता है गरम गरम राइस के साथ। तो यहाँ पे मैंने बैंगनों को, जैसे मैंने फर्स्ट क्लिप में दिखाया था, छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से फ्राई कर लिया है। बैंगन को जो है एक्चुअल में डीप फ्राई करना होता है, लेकिन क्योंकि बहुत ऑयल हो जाएगा एंड सब्जी में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा तेल लेती हूँ, धीमी आंच पे मैं बैंगन को फ्राई करती हूँ। हल्का सा नमक डाला मैंने ताकि बैंगनों में स्वाद आए, और फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद उसी सेम कढ़ाई में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल लिया एक चम्मच के करीब, एंड इसमें मैंने काट के डाले हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक लहसुन छीला हुआ, 10 कलियाँ लहसुन की और 1/2 इंच के करीब अदरक, एंड करी पत्ता, उनको भी फ्राई कर लिया और ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद उनको मिक्सी में लेके इस तरीके से पेस्ट बना लिया। अब और एक बारी मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। अब जो मसाला हमने पीसा है उसको इस कढ़ाई में ऐड करेंगे और भुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस में तेल डला है, बैंगन फ्राई करते वक्त, मसाला भुनते वक्त, सॉरी प्याज टमाटर भुनते वक्त, और उसी मसाले को वापस भुनते वक्त। तो इसीलिए डीप फ्राई को मैंने अवॉइड किया है, आराम से हो जाता है धीमी आंच पे। अगर आप बैंगन को पका लेते हो ना, वो जलता भी नहीं है और पक भी जाता है। जब मसाला थोड़ा सा भुन गया, अब इसमें हम नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो मेरा जो लाल मिर्च का मसाला है उसमें धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला ये सारे एडेड रहते हैं। अगर आपका सिर्फ रेड चिली पाउडर है तो आप ऊपर से और थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर, जैसे हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं वो, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि वो हल्दी और मिर्च का जो स्मेल है वो चला जाएगा। उसके बाद जो हमने बैंगनों को फ्राई करके रखा था उनको इसमें ऐड कर देना है। बस इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत मज़ेदार की सब्ज़ी है, फटाफट से बन जाता है ये। मैं एक्चुअली लंच के लिए बना रही हूँ रसम और ये बैंगन की सब्ज़ी। अब इसको और 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के थोड़ा सा भून लेंगे। धीमी आंच पे मैं ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वैसे धीरे धीरे जब भी सब्ज़ियाँ पकती है, और मुझे लगता है कि टेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो 1-2 मिनट और भुनने के बाद अब यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, बस इसमें फाइनल टचेस देने हैं। यानी कि इसमें हम ऐड करेंगे अब 1 बड़ा कटा हुआ प्याज और धनिए का पत्ता, ठीक है। तो पहले हमने प्याज को तो भून के पीस लिया है, अब ये सेकेंड स्टेज वाला प्याज है, इसी से आता है असली मज़ा। आप इस स्टेज पे जो है हरी मिर्च को भी काट के छोटे छोटे सा डाल सकते हो, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं और वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन जब वो बाइट लगता है ना हरी मिर्च और कच्चे प्याज का सब्जी के साथ, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब भी मैं ऐसे बात करती हूँ ना, बहुत टेस्ट लगता है। बस इसको 1/2 मिनट के लिए थोड़ा सा इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, एंड बस आपकी सब्जी बन गई, डन। आप इसको गर्मा गर्म राइस के साथ और रसम के साथ सर्व करो, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने खाना तो खा लिया, उसके बाद बहुत देर तक मैं बैठ के सब्जी खा रही थी। हाँ मैं करती हूँ ऐसा, मुझे मज़ा आता है करने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और अगर अच्छा लगता है ना तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या करें, क्या करेगा है? सब लोग को खा जाएगा। कौन? तुम सबको खा जाएगा? तुमको, तुम बदमाशी ऐसे करेगा ना। इसने अभी अभी मेरा कपड़ा फेंका जो मैं सिलाई कर रही थी। तुम अगर बदमाशी करेगा, मेरा सामान फेंकेगा ना, तुमको हम घर का बाहर रख के क्या बनेगा तुम बड़ा होके? तुमको तो बड़ा होने में, तुमको तुमको बड़ा होके मॉन्स्टर बनने का क्या जरूरत है? तुम तो अभी मॉन्स्टर है। तुम्हारे मुंह में बहुत सारा ये। तुमको बाहर में रख के लाइट बंद करके दरवाजा बंद कर दूंगी मैं, फिर तुमको पीला पीला मॉन्स्टर आएगा, तुमको खाएगा ना।
और तुम्हारा मंजुलिका भी आएगा। और हम ना लाल लाल के बन जाएगा मंजुलिका और डायनासोर को। तुम्हें मंजुलिका को और डायनासोर को तुम खा जाएगा? लाल लाल भूत बन के सब लोग को खा जाएगा? हाँ। अरे बाप रे, तुम तो बहुत डेंजरस है। तुम बदमाश क्यों हो गया चिट्टू इतना? वही तो, आज बड़ा शैतानी किया। इतना शैतान क्यों हो गया तुम? तुम्हारा भी है नाखून, बहुत बड़ा नाखून। मेरा नहीं है, तुम ही है मॉन्स्टर। दिखाओ मॉन्स्टर का नाखून दिखाओ। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। मजा आया? पिटाई चाहिए और पिटाई चाहिए? पिटाई चाहिए तुमको? हाँ, छील दो, लो छील दो, छील दो। छील दो। ठीक है, अभी चलो, मंजुलिका बुला रहे, चलो। मुझे लगता है ना कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं और स्कूल जाते हैं, बाहर की दुनिया से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ना, तो उनका क्रिएटिव माइंड भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब ये लॉकडाउन हुआ था ना, लास्ट 2 साल बेसिकली घर पे ही रहते थे और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता था कि बच्चों का ग्रोथ में क्या असर पड़ेगा। बट इवेंचुअली मेरे दोनों बच्चे ही अच्छे से ट्रैक में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छे से ट्रैक में क्या आ गए, ट्रैक से भी और ज़्यादा बढ़ के, मतलब वो चालू चंट होते हैं ना, वैसे बन गए मुझे लगता है। बट खैर, होना भी चाहिए, थोड़ा स्मार्ट भी होना चाहिए, थोड़ा सा नटखट भी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे डिनर के बाद बैठ के यहाँ स्टिचिंग कर रही हूँ, और पीछे में जो है टीवी चल रहा है ना, उसमें चल रहा है बिग बॉस। जी हाँ, रात के 10 बजे हैं और बच्चे सो गए हैं, मैं और शिवा देख रहे थे। उसके बाद ये है, नेक्स्ट डे मैं गई थी हॉस्पिटल, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो हॉस्पिटल में तो मैंने शूट नहीं किया, बट थोड़ी सी भूख लगी तो हॉस्पिटल के कैंटीन में हम लोग थोड़ा कुछ ऐसे चाय नाश्ता करने गए वापस आते वक्त। एंड यही था, ऐसे ही गया मेरा कल और आज, बहुत ही सिंपल सा। एक्चुअली सुबह से बहुत कर रही थी, बट हाँ शूट नहीं किया मैंने। वन मुँह से चबाना। हेलो, मैं अभी अभी आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और स्कूल का टाइम हो गया था ना चिट्टू का, तो उसको भी लेके आए हैं हम साथ में। तो क्या है, आज बहुत धूप है, बहुत दिन से अच्छी खासी बारिश आ रही थी, थोड़ा ठंड ठंड लग रहा है। तो आज खिल गई एकदम, मतलब मन खुश हो गया धूप का, ऐसे निकला है धूप। हाँ, तो क्या, सुबह से बहुत बिजी ही चल रही थी, तो बेसिकली मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सुबह उठा, कनिष्का को स्कूल भेजा, सब हड़बड़ी में होते रहते ना, तो वो टाइम पे याद नहीं आता कि फ़ोन निकालना है, कुछ शूट करना, और अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो काम जल्दी हो जाए, सब लोग टाइम पे अपने अपने काम पे पहुंच जाए, यही मन लगता है। मैं बंद करो फ़ोन, दे। तो वही था, फिर उसको सेंड किया, उसके बाद शिवा को रोटी बना के दिया तो वो चले गए। एंड आज मॉर्निंग में शिवा ने बहुत हेल्प की, उन्होंने आटा भी बना के दिया, मतलब गूंद के दिया, और आलू भी काट के दिए। इनके लिए रोटी और आलू भुजिया बनाया था मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए, और राइस बनाया था खाने के लिए। तो अभी फिर मैं शिवा जाने के बाद पानी भरा, कपड़े वपड़े धो के, फिर मैंने चिट्टू को उठाया, उसको नहला के रेडी करके उसको फिर स्कूल में लेके गई, ड्रॉप करके आई। मैं ही गई आज क्योंकि भाई तो बिजी है। और उसके बाद आई और फिर मैंने लंच बनाया, दाल चावल बनाया, आलू भुजिया था तो दाल चावल बनाया। अभी कुछ सलाद वगैरह काट लेंगे उसके साथ, नींबू के साथ, अचार के साथ, अच्छा लगेगा। तो लंच बना के फिर जब भी शिवा आए तो उनके साथ मैं गई। बेडशीट चेंज करना था आज, मैं तो बेडशीट मैंने हटा दिया है लेकिन न्यू वाला दिया नहीं। अभी लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिट करके डालूँगी, फिर शाम को जो है जब भी पोछा लगाऊँगी ना तब ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। अभी तो थोड़ा सा थका थका लग रहा है, सुबह से गैप नहीं था, लगातार चल रही थी मैं, तो ऐसे ही गया आज का दिन। एंड मम्मी ठीक है, अभी उतनी डेंजर वाली बात नहीं है, अभी वो बिल्कुल चकाचक है। तो कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत शेयर किया।
एंड हाँ, सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी बना के खा सकते हैं। नॉर्मल सब्जी से भी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें तेल लगता है ना, तो खैर खा सकते हैं कभी कभी। दाल के साथ भी टेस्टी लगता है लेकिन रसम के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।